हेलो फ्रेंड्स, आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो हर न्यूज़ चैनल पर आ रही है कि मसूद अज़हर, जिन्होंने पुलवामा अटैक जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा हमला करवाया था, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, उसको आज डिक्लेयर कर दिया गया है ग्लोबल टेररिस्ट आफ्टर चाइना लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस। सो फ्रेंड्स, अब तक बहुत कोशिशें जारी थी हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू, बायलेटरल रिलेशन के थ्रू, कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए कि वो मसूद अज़हर पर और सारे आतंकियों पर कार्रवाई करे। सो उसका यही हमें एक रिज़ल्ट मिला है कि चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि नहीं वो नहीं करेगा इस काम को, बट वो आज काम पूरा हुआ। जो इंडिया का बहुत बड़ी कोशिश थी कि मसूद अज़हर को डिक्लेयर किया जाए ग्लोबल टेररिस्ट, और देशों की भी ये कोशिश जारी थी, सो आज वो मुकाम हमें हासिल हुआ है। फिर भी फ्रेंड्स, ये एक मंजिल नहीं है, ये तो एक बस ज़रिया है जिसके थ्रू हमें जो दुनिया भर में आतंक फैला है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि हर आतंकी के पीछे उनके मास्टरमाइंड हैं, उनके चीफ बैठे हुए हैं। जैसे फ्रेंड्स, लाडेन को भी एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था जब उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और उसका खात्मा किया गया। अब उसी तरह से मसूद अज़हर को भी एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। सो आइए जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है उसने पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख जो मसूद अज़हर हैं, जो कि चीफ थे और पुलवामा अटैक करवाया है उसने, उसको एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। बता दें कि भारत पिछले काफ़ी समय से मसूद अज़हर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए जुटा हुआ। ऑन द लिस्टिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अज़हर एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन एंड चाइना हैड प्लेड अ टेक्निकल होल्ड ऑन द प्रपोजल इनिशिएटेड बाय US, UK एंड फ्रांस। सो सी फ्रेंड्स, बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने इंडिया का साथ दिया है ताकि वो पुलवामा अटैक के लिए, एक बड़े जो हादसा हुआ था उसको, उस हादसे के थ्रू उनको ये पता चल गया था कि कोई भी देश सुरक्षित नहीं है जब तक आतंकवाद हमारे दुनिया में फैला हुआ है, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सब देशों ने मिलकर ये फैसला किया है, और चाइना हैड प्लेड, जो चाइना था उसने अभी तक एक टेक्निकल होल्ड रखा था कि उसको कार्रवाई करनी है, प्रपोजल पर होल्ड रखा था, बट अब उसने भी उसना फैसला सुना दिया है। चाइना ऑल्सो लिफ्टेड इट्स होल्ड। वैश्विक आतंकी की सूचना में नाम आने से मसूद पर वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लग जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। किसी प्रतिबंधित व्यक्ति अथवा संगठन की संपत्ति जब्त करने की सूरत में सभी देशों को उसको मिलने वाले धन तथा अन्य आर्थिक सहायता अथवा आर्थिक संसाधनों पर भी अविलंब रोक लगानी होती है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि हमने पाकिस्तान पर बहुत दबाव बनाया, हमने अपना MF जो स्टेटस था वो भी वहाँ से बंद करवाया, इसीलिए पाकिस्तान ने भी कोशिश की है। China's decision has largely been seen as an outcome of international pressure to blacklist the Pakistan-based terror organization's head, and the US, supported by France and UK, moved a draft resolution directly in UN Security Council to blacklist the Pakistan-based terror organization head. So जैश सरगना को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मोहर भी लग गई है, इसलिए वह कहीं यात्रा भी अब नहीं कर सकता, संपत्ति भी उसकी जब्त हो जाएगी, इसके अलावा उसको किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की भी इजाज़त नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी एक सुरक्षित कदम है पूरे भारत और पूरे ही वर्ल्ड के आतंकवाद को रोकने के लिए। सो आइए हम हमेशा साथ दें अपनी फोर्सेज का, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हैं अपने घरों में, और जिन्होंने शहीदी प्राप्त की हमें बचाने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिए पैशन पाठशाला के साथ।